आसान फाइट चलती हुई, टीम ऑक्सी के एक प्लेयर को नॉकडाउन किया जाएगा, किल कंफर्म किया जाएगा। किंग्स एरोज यहाँ पे मौजूद रहे, यहाँ पे मौजूद रहने वाले एक प्लेयर उन्होंने गवा लिया अपना। लेट्स सी इस फाइट के अंदर ये किस तरह से परफॉर्मेंस अपनी टीम पे निकाल पाते हैं, क्या अपनी टीम को कुछ किल पॉइंट्स दिलवा पाएंगे। एक किल इन्होंने भी निकाल लिखा। ऑन अदर साइड किंग की टीम की बात करें तो उनके पास दो किल्स मौजूद हैं, लेकिन दो प्लेयर जिन्होंने गवा दिए। टीआरबी का स्क्वाड भी यहाँ पे मौजूद रहने वाला है, वो भी आहिस्ता से एग्रेसिव होता हुआ आगे बढ़ता हुआ टीम एसयूएस के साथ फाइट लेते हुए इनके दो प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया गया। लास्ट प्लेयर बबलू यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं, उनके बिल्कुल सामने ही प्लेयर्स किंग टीम किंग के मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन उनको स्पोर्ट नहीं किया जा रहा, उनको एलिमिनेट नहीं किया जा रहा। टीम टीआरबी आगे बढ़ती हुई एक प्लेयर को नॉकडाउन जरूर करवाएंगे और अभी रिवाइवल देने के लिए बैठ जाएंगे। टीम ऑक्सी भी मौजूद रहने वाली है, वेट किया जा रहा है उनकी तरफ से। क्रोसियर जमा के बैठे हुए विंडोज के ऊपर देख रहे हैं, जैसे ही प्लेयर इनको दिखेंगे यहाँ पे किल स्कोर करते हुए बबलू को यहाँ पे नॉकडाउन किया जाएगा। और इसी के साथ दो टीम्स इस पूरी फाइट से बाहर जाती हुई, टीम ऑक्सी के एक प्लेयर ओबी यहाँ पे नॉकडाउन रहने वाले हैं, उनको रिवाइवल दिया जा रहा है, रिवाइवल दे दिया जाएगा। ऑन द साइड टीआरबी की टीम वो यहाँ पे अग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर काफी अच्छी तरह से टैकल किया जा रहा है, बहुत ही प्यारी एक तरीके से जो हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नेड आएगा टीआरबी की जानिब से, टीआरबी यहाँ पे वो भी नहीं हल्के में आने वाले, नोबडी यहाँ पे नॉक जरूर है, उनको रिवाइवल देना होगा। लेकिन डैनियल यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दानियाल की तरफ से यहाँ पे कोशिश होगी इनको एलिमिनेट करने की, लेकिन टीम ऑक्सी बहुत अच्छी मूव उनकी तरफ से, अपने प्लेयर को पहले रिवाइवल दिया जाएगा। तीन किल्स ये टीम निकाल चुकी है। ऑन द अदर साइड टीआरबी के स्क्वाड की बात करें, उनके पास भी दो किल्स मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन टीम डेस वो भी सारे जो है मंजर को देखते हुए नजर आ रहे दूर से, उनको आइडिया हो चुका है किस जगह पे फाइट चल रही है और शायद वो थोड़ी देर में हमें जो है ना इस फाइट में एंगेजमेंट लेते हुए नजर आए। ऑक्सी की बात करें, एक प्लेयर को अभी भी रिवाइवल दिया था, साथ ही साथ दोबारा से नॉकडाउन हो जाएगा। एंडलेस यहाँ पे आगे बढ़ते हुए शॉर्ट गन के साथ एक प्लेयर को नॉकडाउन करेंगे, दो प्लेयर्स बाकी टीआरबी के रहने वाले, अगर वो भी यहाँ पे इसी तरह से एग्रेस करते हुए आगे आएंगे, स्क्वाड एग्रेसिव होता हुआ आगे बढ़ते हुए, उनको आइडिया हो चुका है कि दो प्लेयर्स को ऑलरेडी हम नॉकडाउन कर चुके हैं, तो एग्रेसिव यहाँ पे मूव उनकी तरफ से एसआईबी को स्पोर्ट किया जाएगा। काफी कम एचपी के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन जो है नॉक नहीं निकाल पाते हैं, जो है उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कवर फायर प्रोवाइड करने की, लेकिन बादशाह बहुत ही अच्छी मूव यहाँ पे छत के ऊपर चढ़ जाएंगे, स्पोर्ट किया जाएगा, लेकिन नॉक नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, उनके क्रॉसेयर के ऊपर आ जाएंगे और खुद ही नॉकडाउन हो जाएंगे। प्लेयर्स मिलके आगे बढ़ते हुए, लेकिन सिंपल को यहाँ पे शॉर्ट करके दो शॉट्स पड़ते हैं और इसी के साथ सिंपल नॉकडाउन हो जाएगा। फियर यहाँ पे लास्ट रहने वाले 1v3 की सिचुएशन, लेकिन एक नॉकडाउन किया जाएगा सिंपल फियर की तरफ से, बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस यहाँ पे एक नॉकडाउन करने के बाद। दूसरे प्लेयर भी सामने आएंगे, उनको भी शॉट देने की कोशिश, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो पाएंगे। टीम आ रहा है